गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यस, आर्टवा सीरीज में भी आप सभी लोगों का स्वागत है। सो सुबह के बज चुके होंगे 8:30, और 8:30 नहीं, सॉरी 9, सुबह के बज चुके हैं 9:30 नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो, सुबह के बज चुके हैं 9। और चलो ऊपर चल के देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। तो कुछ ऐसा है सुबह का सीन, धूप निकल गई बहुत तेज वाली, कोई फायदा नहीं, अब निकलना पड़ेगा घूमने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, जो मेरा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जो मतलब मज़ा आ गया मेरे को, जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत अमेजिंग था एंड सीरियसली अनएक्सपेक्टेड था, बट आई लव्ड इट बेसिकली। सो गाइस, जो मेरी राजस्थान की जो पूरी जर्नी है वो फोर्ट्स के चारों ओर घूम रही है। सो इन्हीं फोर्ट्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं एंड माई फर्स्ट पिट स्टॉप विल बी मेहरानगढ़ फोर्ट। राजस्थान रजवाड़ों की भूमि का एक और नायाब किला जिसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। एंड गाइस, जहाँ पे मैं रुका हूँ जॉस्टल, वहाँ से इसका डिस्टेंस होगा 1-2 किलोमीटर्स, जहाँ पे आप इजीली कोई भी कन्वीनियंस लेके पहुँच सकते हो लाइक ऑटो। सो भाई हम भी, भाई अपने पास बाइक थी सो हम बाइक पे निकल पड़े। ये फाइनली मेहरानगढ़ फोर्ट। सो पधारो मारे देश में और पधारो मारे फोर्ट में। सो आई एम एट मेहरानगढ़ फोर्ट। गाइस, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती हैं, बट हमें आइडिया नहीं होता है कितनी प्रॉब्लम चल रही है, किसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। एंड जब आप व्लॉगिंग स्टार्ट करिए, सो नाउ आई नो कि व्लॉगर की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है। एवरी टाइम कहीं पे भी रुकते हैं, अपना सेटअप निकालो, सेटअप करो, देन व्लॉग करना स्टार्ट करो, समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। ऐसे माइक की तो लगा रखा, ट्राइपॉड हटा दिया उन्होंने, बोला मैंने तुरंत हटा दिया। किसने बोला? वहाँ पे गार्ड ने बोला माइक ट्राइपॉड बैक चेक होना है अभी। हाँ, बैग चेक करिए सर, बिल्कुल करिए। ओके सर। सर मैं हूँ बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ? ये तो कैमरा लगाया आपने सर, हेलमेट के आगे, हेलमेट का वो तो बंद, वो तो बाइक राइड करते वक्त होता है सर। हाँ जी, बाइक राइड करते समय आगे की फोटो आ जाती पूरी? हाँ हाँ सर, पूरी आ जाती है सर। ये देखिए सर, बैग ट्राइपॉड सब अंदर रख दिया। सो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, उन्होंने मेरे को कैमरा अलाउड नहीं किया, ट्राईपॉड अलाउड नहीं किया, मेरा एक्सटर्नल माइक था वो अलाउड नहीं किया, एंड मेरे फ़ोन में ऑलरेडी दिक्कत चल रही थी वॉइस का। सो जितनी भी मैंने क्लिप्स जो रिकॉर्ड करी थी, कहीं ना कहीं उनमें साउंड प्रॉपर नहीं आया। सो गाइस, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। एंड मैं ट्राई किया है जहाँ जहाँ पर मैं वॉइस ओवर दे सकूँ, मैंने वॉइस ओवर देने की कोशिश करी है। सो लेट्स गो अहेड एंड वॉच द फुल वीडियो। सो काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी, काफ़ी मिन्नतों के बाद भी मेरे को माइक ले आने नहीं दिया गया। ट्राईपॉड तो सारे गेट पे ही रख दिए। एंड यहाँ की जो एंट्री फीस है, एंट्री फीस दैट इज़ 150 पर हेड। सो अभी चलते हैं, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा विदाउट माइक, और कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। एंड मेहरानगढ़ फोर्ट के फैक्ट्स बहुत सारे हैं। सो एक फैक्ट उनमें से है, मेहरानगढ़ फोर्ट का नाम कैसे पड़ा, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग अबाउट मेहरानगढ़। मेहर मीन्स सन, गढ़ मीन्स फोर्ट, सो इसको मिला के मेहरानगढ़ बना है। एंड जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है हिस्ट्री में, उसको ये कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर है। एंड इसको राव जोधा ने बनाया था इन मिड ऑफ द 15th सेंचुरी, 1459 में।
सो गाइस फोर्ट तो बहुत बड़ा है एंड फोर्ट पे जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको फोर्ट से पूरी सिटी का व्यू मिलेगा, द ब्लू सिटी जोधपुर का व्यू। एंड इसके पीछे का एक फैक्ट ये है कि जो ये फोर्ट है वो 400 मीटर एल्टीट्यूड पे बना है, जो ग्राउंड लेवल से जो इसका एल्टीट्यूड है दैट इज 400 मीटर। सो आपको बहुत बढ़िया फैंटास्टिक व्यू मिलेगा। तो गाइस अगर आप अंदर जाते हो तो फोर्ट के अंदर आपको तीन चीज़ें और देखने के लिए मिलेगी। सो फर्स्ट इज फूल महल, देन आपको मिलेगा मोती महल देखने के लिए, एंड थर्ड इज शीश महल। सो मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में एक और चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई हैं और एक हॉलीवुड मूवी भी कह सकते हैं आप लोग, द डार्क नाइट राइजेस का एक सीन शूट हुआ है यहाँ पे, एंड शुद्ध देसी रोमांस का हम साथ साथ है मूवी का अभी सीन यहाँ पे शूट हुआ है। सो गाइस जस्ट अभी मैं म्यूजियम से भी होके आया जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स और हैंडमेड चीज़ें रखी हुई हैं। सो वो सेलिंग के लिए भी हैं और काफ़ी अच्छा था। सो जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पर ही आ गया हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से अब ऊपर की तरफ जाएंगे और देखते हैं आगे और क्या देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है जो फिलहाल अभी क्लोज है, जो फोर्ट के अंदर ही है। सो गाइज ओवरऑल इट वॉज फन शूटिंग देयर इन मेहरानगढ़ फोर्ट। दोपहर के 12:30 बज चुके थे एंड देन मैं फटाफट से निकल पड़ा जसवंत थाड़ा के लिए। सो गाइज मैं निकल गया हूँ अब जसवंत थाड़ा के लिए। तो जसवंत थाड़ा यहाँ से मेहरानगढ़ से 700 मीटर्स दूर है बस, और ज़्यादा दूर नहीं है। सो मेरे को पता नहीं है भैया